तो वहीं टोंक के सादत अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में लॉकडाउन के बाद से रक्त की कमी आ रही है। ऐसे में बुधवार को टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरी अस्पताल पहुंचे और ब्लड डोनेट किया। सांसदों के साथ ही उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भी रक्तदान किया। सांसद जौनपुरिया ने युवाओं से बढ़ चढ़ कर रक्तदान करने की इस दौरान अपील की। विश्व के अंदर में, देश के अंदर में लॉकडाउन चल रहा है। मैं समझता हूँ हर आदमी इस बात को महसूस करता है कि ब्लड देना और हॉस्पिटल में जाना ही बहुत बड़े आप लोगों को गुना मानता है। आज जिस हिसाब से ब्लड बैंक में ब्लड की कमी होती जा रही थी, सीएमएचओ साहब ने मेरे को बताया कि सर ऐसे बात है, बहुत भारी दिक्कत आने वाली है। तो मैं किस टाइप की, उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक में ब्लड नहीं रहा और हमने कईयों से कोशिश कर ली, आज की डेट में कोई आदमी आने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना का काफ़ी 144 के करीब पॉजिटिव थे, उस चक्कर में मैंने कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है और हमारे सारे कार्यकर्ताओं से, जैसे मैंने रात आके कहा, सारे कार्यकर्ता तैयार हो गए और हम सबने तय किया कि जितना भी ब्लड की जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी का